गुड मॉर्निंग टू वन एंड ऑल. मैं सुनंद सुब्रमण्यम बोल रहा हूँ, कमोडिटी फंडामेंटल एनालिस्ट. आज मैं कवर करने वाला हूँ सोयाबीन पे. सोयाबीन का ट्रेंड अगर आप लास्ट कपल ऑफ डेज में देखोगे तो काफी मंदी की तरफ रहा है. इसका यही खास वजह है चाइना में अभी भी खरीदारी चालू नहीं हुआ है कोरोना वायरस के वजह से, जिस वजह से मार्केट में काफी मंदी देखने को हुआ था. हालांकि यूएस चाइना ट्रेड डील के हिसाब से चाइना का फिलहाल तो खरीदारी होना चाहिए था. और डोमेस्टिक फंडामेंटल्स की बात करें तो इस साल का उत्पादन काफी कम था पिछले साल के करीबन से, तो लेकिन फिर भी इस अभी तक खरीदारी कम होने के वजह से और एक्सपोर्ट्स जो है जो डोमेस्टिक मार्केट से जाती है वो कम होने के वजह से मार्केट में आने वाले दिनों में भी हमें मंदी देखने को मिलेगा. अगर हम बात प्राइस की करें तो प्राइस नीचे आने का संभावना और दिख रहा है. हमें सेलोन राइस के का सिचुएशन लेके हमें नीचे की तरफ 3800 का लेवल तक रख सकते हैं आने वाले हफ्तों के अंदर, और हम सोयाबीन में बेरिश ट्रेंड रख रहे हैं फॉर द नेक्स्ट वन वीक. अगर मैं दूसरी कमोडिटी की बात करूं तो मैं टर्मरिक की बात करूंगा. टर्मरिक में लास्ट कपल ऑफ डेज में काफी मंदी देखने को हुआ था. इसका यही खास वजह है कि निजामाबाद मार्केट में नया उत्पाद आने का चालू हो गया है और अराइवल्स काफी काफी बढ़ चुकी है वीक ऑन वीक बेसिस पे. डोमेस्टिक डिमांड में सप्लाई ज्यादा होने की वजह से मार्केट में आने वाले दिनों में भी मंदी देखने को मिल सकता है. मसाला मिलर्स जो है वो अभी तक खरीदारी चालू नहीं की क्योंकि वो लोग अभी भी और मंदी देखने की राह देख रहे हैं और लोअर प्राइस लेवल में खरीदारी बाद में चालू करेंगे. हालांकि अगर आप देखोगे तो इस साल का जो उत्पादन जो है महाराष्ट्र और कर्नाटका में पिछले साल के क्रॉप डैमेज की वजह से कम हो सकता है, लेकिन इनिशियल हार्वेस्ट फेज में हम नीचे की तरफ ही रख सकते हैं और हम 5800 के लेवल तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं. ओवरऑल देखा जाएगा तो टर्मरिक में बेरिश ट्रेंड ही रहेगा और आने वाले हफ्तों के अंदर 5800 के लेवल तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं. थैंक यू एंड आई विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी ट्रेडिंग डे.